नमस्कार दोस्तों, यदि आप मेहनती प्रवृत्ति के आदमी हैं, मेहनत करना आपको अच्छी तरह से आता है, या यूं कह सकता हूं 8 से 10 घंटे यदि आप मेहनत करके अच्छे से कमा के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज मैं जो आपको बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूं वो बहुत ही गजब का बिजनेस है, आज के नए जमाने का बिजनेस है और हर घर की जरूरत है। देखिए दोस्तों, बिजनेस हर आदमी करना जानता है, मगर करने बिजनेस कैसे किया जाता है ये तरीके नहीं जानता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कैसे ये बिजनेस किया जाता है ये भी बताऊंगा, इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ये माल आप कहां से खरीद सकते हैं और इस माल को आप क्या रेट में क्या भाव में बेच सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको 50% तक का मुनाफा कमा करके दे सकता है, और आपके शहर में भी काफी लोग ये बिजनेस करते देखे गए हैं, पाए गए हैं, और आपने भी देखे हैं, मगर आप उनको देख करके नजरअंदाज कर देते हैं, या यूं कह सकते हैं ये भी कि कोई बिजनेस है क्या। कुछ लोगों के दिमाग में एक ही रोग है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग ये सिर के ऊपर जो इज्जत की पोटली डाल रखी है आपने, भारी भरकम पोटली, मैं कहूंगा इसको कम से कम 2 महीने आप उतार के रख दीजिए। यदि ये बिजनेस जो मैं बता रहा हूं वो करना चाहते हैं, तो आप यदि 21 से 25 साल के नवयुवक हैं, आपके पास एक बाइक है, आपके पास एक पिकअप है, अथवा आपके पास एक साइकिल है, तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको 5-10 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, 1 लाख रुपए में ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। और यदि आपने ये बिजनेस एक बार शुरू कर लिया, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, यदि आपने ये बिजनेस एक बार शुरू कर लिया तो मैं कहूंगा आप कहेंगे कि वाह शर्मा जी क्या बिजनेस बताया था। मगर ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जो इन मेरी 2 बातों को फॉलो करेंगे। पहली बात, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात को आपको दरकिनार करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं बड़े घर का बेटा हूं, छोटा बिजनेस नहीं करता। दोस्तों, बड़े घर के बेटे आप पैसों के कारण हुए हैं, धन के कारण हुए हैं। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, धन सब कुछ नहीं है मगर बहुत कुछ है मेरी नजर में, और आपकी नजर में भी होगा, मगर उस दिन होगा जब वक्त निकल जाएगा। समय जब निकल जाएगा उसके बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपके दिमाग में एक ही बात रहेगी कि उस दिन मैं यदि इन बातों का ध्यान रखता तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। दोस्तों, पैसा कमाना सीख जाइए, समय रहते पैसा कमाना सीख जाइए, नहीं तो बुढ़ापा बड़ा मुश्किल भरा हो जाएगा। जवानी में जिन लोगों ने समय को बर्बाद किया है, जवानी में जिन लोगों ने ये 2 बातें पकड़े रखी हैं कि क्या कहेंगे लोग और ये इज्जत की पोटली सर के ऊपर रखी, उन लोगों की हालत मैंने बड़ी बुरी देखी है। चलिए बात करते हैं वो छोटा सा बिजनेस जो 1 लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है, मोटरसाइकिल या साइकिल या स्कूटी पर भी किया जा सकता है। आपने गली मोहल्लों में खूब देखे होंगे, कुर्सियां ले लो, प्लास्टिक की कुर्सियां ले लो, आ गई ना हंसी आपको, दादाजी ने क्या बिजनेस बता दिया। मगर जब इस बिजनेस की सच्चाई बताऊंगा आपको तो आपके समझ में आ गया कि वास्तव में ये बहुत अच्छा बिजनेस है। दोस्तों, ये बिजनेस आप 1 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी बड़े सिटी में जो फैक्ट्री में कुर्सियां बनती हैं वहां से परचेजिंग करनी पड़ेगी, अथवा कोई होलसेल डीलर से परचेज करनी पड़ेगी। इनकी परचेजिंग प्राइस इतनी कम होती है, ये 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की मध्यम घरों के लिए, और बड़े घरों के लिए
300 से 700 रुपए तक की कुर्सियां लाई जाती हैं। 100 रुपए की कुर्सी आप 200 रुपए में बेच सकते हैं, 150 रुपए में बेच सकते हैं और 250 रुपए में बेच सकते हैं, मगर 300 की कुर्सी आप 400 में, 500 में और 550 में बेच सकते हैं और 700 वाली कुर्सी आप 800, 900 यानी मिनिमम आपको हर कुर्सी एवरेजली 100 रुपया तो कम से कम कमा के देगी। अब बात आती है कि बेचे कैसे। आपके पास साइकिल जरूर होगी, आप साइकिल पे 15-20 कुर्सियां दोनों तरफ लटका करके बेच सकते हैं गली मोहल्ले में। आपके पास मोटरसाइकिल होगी, आप 10-20 कुर्सियां, 30 कुर्सियां एक जगह आप स्टोर कर लीजिए कहीं और 10-20 कुर्सियां मोटरसाइकिल से गली मोहल्ले में बेच सकते हैं। आपके पास पिकअप है ऑलरेडी, यदि आपके पास पिकअप है तो जैसे आप खरीद के लाते हैं वैसे की वैसे पिकअप को लेकर के आप मार्केट में जगह जगह गली में गलियों में घूमेंगे और बेचेंगे तो आराम से बिक जाएगी। कुछ छोटे दुकानदार आपकी कुर्सियां ले सकते हैं, कुछ रेस्टोरेंट वाले आपकी कुर्सियां ले सकते हैं, कुछ ऑफिसेज वाले आपकी कुर्सियां ले सकते हैं और हर घर की जरूरत है, और नहीं तो घर वाले तो लेते ही लेते हैं और गरीब आदमी तो अपनी बच्चियों की शादी में 4 कुर्सियां और 1 टेबल तो जरूर देता है, तो आपकी कुर्सियां बिकने लग जाएंगी। अब बात आती है कि ये खरीदे कहाँ से, इनको आपको बड़े शहरों से लाना पड़ेगा। इनमें ब्रांडेड भी आती है, नील कलम है, नील कमल है, सेलो है और भी कई बहुत से ब्रांडेड हैं, उन ब्रांडेड कंपनियों की भी आप कुर्सियां ला करके बेच सकते हैं। इसके लिए आपको एक दुकान खोलनी पड़ेगी, स्टोर खोलना पड़ेगा, एक बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा और आप 20-30 लाख रुपए लगा करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं। कहिए कैसा रहा मेरा आइडिया, आप इनमें से कौन सा आप बिजनेस करना चाहेंगे, क्या आप साइकिल से बेचना चाहेंगे, क्या आप मोटरसाइकिल से बेचना चाहेंगे, पिकअप से बेचना चाहेंगे या दुकान खोल करके बेचना चाहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी आपकी कोई एडवाइस हो जरूर बताइएगा। नमस्कार।